अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल तो बाहर आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जून तक अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत अर्जी मंजूर की थी शर्तां दे नाल। शर्तां केड़ियां केड़ियां आओ देखते हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले च तिहाड़ जेल च बंद आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नूं सुप्रीम कोर्ट तो वड्डी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार नूं केजरीवाल नूं 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दित्ती है। इस दे नाल ही 2 जून नूं उन्हां नूं हर हालत दे विच आत्म समर्पण करन दे लई भी कहा गया है। अदालत ने केजरीवाल दे चोन प्रचार ते कोई रोक नहीं लगाई है। केजरीवाल चोन प्रचार कर सकणगे अते प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते ने। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल नूं जमानत तां दे दित्ती है पर नाल ही कुछ शर्तां भी रखियां ने। उन्हां चों इह चार शर्तां, केजरीवाल शराब नीति मामले दे नाल संबंधित अपनी भूमिका बारे कोई भी बयान नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दफ्तर ते दिल्ली सकत्तरेत नहीं जाणगे। सरकारी कामकाज दे विच दखल नहीं देंगे अते फाइलां ते दस्तखत नहीं करनगे। उह शराब नीति केस नाल संबंधित किसी भी गवाह दे नाल गल नहीं करनगे। केजरीवाल नूं ईडी ने 21 मार्च नूं शराब नीति मामले दे विच गिरफ्तार कीता सी अते ओह 1 अप्रैल तो तिहाड़ जेल च बंद सन। केजरीवाल केस दी पूरी टाइमलाइन, गिरफ्तारी तो जमानत तक। ईडी ने केजरीवाल नूं 21 मार्च नूं गिरफ्तार कीता। शराब नीति मामले दे विच केजरीवाल नूं गिरफ्तार कीता गया सी। ईडी ने 22 मार्च नूं राउज एवेन्यू अदालत दे विच केजरीवाल नूं पेश कीता। अदालत ने केजरीवाल नूं 28 मार्च तक ईडी रिमांड दे उत्ते भेज दिता। इस तों बाद ईडी दी रिमांड 1 अप्रैल तक वधा दित्ती गई। 1 अप्रैल नूं 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत च तिहाड़ जेल च भेज दिता गया। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी नूं हाई कोर्ट दे विच चुनौती दित्ती अते 3 अप्रैल नूं इस मामले ते दिल्ली हाई कोर्ट च सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने उस समय फैसला सुरक्षित रख लिया सी। 9 अप्रैल नूं हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी नूं जायज़ दस्या। हाई कोर्ट दे फैसले खिलाफ केजरीवाल ने 10 अप्रैल नूं सुप्रीम कोर्ट दा रुख कीता। 15 अप्रैल नूं सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल नूं राहत देण तों इनकार कर दिता सी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले दे विच ईडी नूं नोटिस जारी कीता। ईडी नूं 24 अप्रैल तक जवाब देने लई निर्देश दिते गए। 29 अप्रैल नूं सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल दी पटीशन ते सुनवाई कीती। 30 अप्रैल नूं सुप्रीम कोर्ट ने ईडी तों केजरीवाल दी गिरफ्तारी दे समय सने कई जवाब मंगे। 3 मई नूं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल दी अंतरिम जमानत ते विचार कीता जा सकदा है। 7 मई नूं सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल दी अंतरिम जमानत ते फैसला सुरक्षित रखिया। सुनवाई च अदालत ने केजरीवाल दी जमानत दीआं शर्तां तय कीतीआं। 9 मई नूं ईडी ने केजरीवाल दी जमानत दा विरोध कीता। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट दे विच हलफनामा दायर कीता। केजरीवाल दी कानूनी टीम ने ईडी दे हलफनामे ते इतराज़ जताया। टीम ने सुप्रीम कोर्ट दी रजिस्ट्री च शिकायत दर्ज करवाई। 10 मई नूं सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल नूं 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दित्ती। उन्हां नूं 2 जून नूं किसी भी हालत दे विच आत्म समर्पण कर लई कहा गया है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी दा इक वड्डा चेहरा ने, इस लई उन्हां दा चोन मुहिम दे विच प्रवेश यकीनी तौर ते ना सिर्फ पार्टी आगुआं अते वर्करां च जोश भरेगा बल्कि दिल्ली दे चोन माहौल च भी बदलाव देखण नूं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।